तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं फंक्शंस, और फंक्शंस में हम डायरेक्टिव फंक्शंस के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे मेरे पास मैंने एक सब्जेक्ट लिखा और मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर की सारे फाइलों का लिस्ट मुझे दे दे। ये वाली फोल्डर, अब इससे आगे एक काम और करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे लगाया कि डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लिया और एफ एन के ऊपर मैं लगाया फंक्शन डी आई आर, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने स्लैश स्टार डॉट स्टार। अब यहाँ पे जिस फाइल टाइप का एक्सटेंशन चाहिए वो एक्सटेंशन डाल दीजिए, मैंने स्टार डॉट स्टार डाल दिया, इट मीन्स हम सारे टाइप के फाइल जो है वो लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फाइल आएगा कैसे, क्योंकि तो डीआईआर फंक्शन तो कई सारे फाइलों का लिस्ट निकाल लिया और एफएन तो एक स्ट्रिंग है जो कि वन बाय वन ही कैरी करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो इसका लगाने का तरीका समझिए, मैं डुअल स्क्रीन करता हूं। जैसे कि अगर 1 मिनट, यहां मैंने लिखा आर इक्वल टू आर प्लस वन और मैं दिया कि सेल्स, सेल्स में आर कॉमा वन, मैंने आर रो एंड कॉमा वन हमने दे दिया, कॉलन वन दे दिया और एफ एन कर दिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डेटा डाल देगा। अब दूसरा डेटा के लिए मुझे आर इक्वल टू आर प्लस वन और यहाँ पे हमें लिखना है एफ एन इक्वल टू डी आई आर और ब्रैकेट ओपन क्लोज, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, रिलोड किया। क्या किया मैंने यहाँ पे, रिलोड किया। जब मैं इसको रन किया तो इतनी है, आर इक्वल टू आर प्लस वन सेल्स के अंदर दिए, आर ओ प्लस किए, एनआईपी को वापस रीडायरेक्ट किए, तो इसमें दूसरा आ जाना चाहिए। 1 मिनट मैं इसको एफेक्ट करता हूं। यहाँ डायरेक्टिव फंक्शन में एक फाइल लोड हो गया, यहाँ पे हो गया वन और ए आर हमारा वैल्यू। हाँ, ये हमने इसको नीचे नहीं लिखा है, इसको कॉपी करके मुझे यहां देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर क्या था, वन था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे पहली फाइल डाल दी, फिर यहाँ पे इसने टू कर दिया, क्या कर दिया, टू हो गया अपने आप को। फिर डायरेक्टिव फंक्शन में, अब देखिए एफ एन पे वन डॉट एक्सएलएस है, डायरेक्टिव फंक्शन ने दूसरी फाइल टू डॉट एक्सएलएस को दे दिया और फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसने अपना डेटा को दोबारा कर दिया। तो इसी तरह से मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ सकते हैं कि जितने फाइल से उतने, बट यही तो प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टम में कितना फाइल है आई डोंट नो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और यहां पे मुझे पता नहीं कि मेरा कितना बार चलेगा, तो हम डू वाइल लूप लगाएंगे कि डू वाइल हमने बोला एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक और फिर यहां पे नीचे लूप दे दिया। क्या दे दिया, लूप दे दिया। अब इसको एक बार यहां से रन करते हैं, देखिए सारे के सारे फाइल लिस्ट आपके सामने यहां आ चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड एक नई चीज हम करेंगे, फाइल को कॉपी करने का, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं यहीं पे। मैंने यहाँ पे नेम सिटी और यहाँ पे अमाउंट ले लिया, ये हमारे अजीत कदम जी है, उन्हीं का एक क्वेश्चन था, कल मुझसे पूछ रहे थे। उनके पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर में बहुत सारे क्या है, सी एस पी फाइल, सी एस पी फाइल,
और मैं एक काम करता हूँ, इसी में डेटा में 2022 के अंदर जाता हूँ। इसी का राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, ये हमारा एक्सेल का फोल्डर हो जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, यहाँ पे मेरे पास CSV का फोल्डर है। और मैं इस फाइल को यहाँ से सेव एज करता हूँ डी ड्राइव के अंदर। March 2023 और यह CSV फोल्डर, और इसको हम एक CSV के अंदर में सेव एज करते हैं। यहाँ पे वन में देखते इस बार। इसको कौन सा CSV में, CSV में होते हैं। अब यहाँ पे इसको कॉपी 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 कंट्रोल प्रेस से कॉपी कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ मैं। अब इसको हम रिनेम कर देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब से सारे फाइल को मुझे मार्च वाले एक्सेल शीट में सेव एज करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मुझे इसका जो फाइल है इसको सेव एज करना है किसमें, एक्सेल के फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम एक्सेल फाइल खोलते हैं और कोडिंग बनाते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉपी फाइल के नाम से बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, हमें ओरिजिन क्या है, तो यहाँ पे हम अपना ये जो पाथ है ये ले लेते हैं। नहीं, यहाँ पे CSV, हमें CSV से उठाना है, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में CSV को स्लैश करके ले लिया। और डेस्टिनेशन डी क्या है हमारा, तो डी में हमें बस इसी के अंदर क्या करना है कि इसको एक्सेल कर देना है। तो ये दो चीज हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको चाहो तो मैं डिफाइन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कि डिम पी एज ए, यहाँ पे ओ कॉमा डी एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन और और जो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ करना है एफ एक और यहाँ पे फाइल नेम के लिए, फाइल दो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, डिम एफ एन फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे एफ एन इक्वल टू डी आई आर, और यहाँ पे ओरिजिन लिए, ओरिजिन के साथ हमने डॉट CSV हमने कर दिया, और कॉमा हम बोला कि नॉर्मल फाइल होनी चाहिए। सारे फाइल लिस्ट आ गए। अब यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला टू, वाइल एफ एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे लूप लगा दिए, इसके बीच में लिखना है।
अब एक आता है आपका फाइल कॉपी का कमांड। फाइल कॉपी में सोर्स क्या है हमारा, तो सोर्स में हमारा ओ है, और इसके साथ हमने कॉन्केट किया एफ एन को, क्योंकि फाइल का नेम तो एफ एन के ऊपर है, एफ एन एट द रेट एंड परसेंट डॉट, नहीं एफ एन आ रहा है, एफ एन ऑलरेडी है, क्या बोलते हैं एक्सटेंशन इसके अंदर ऑलरेडी है, और किस डेस्टिनेशन क्या है तो डी, और यहां पे एन परसेंट। अब प्रॉब्लम यह आता है कि मुझे एफिन का जो नाम है ना उसमें डॉट सी एस बी लगाना है, डॉट एक्सलेस हटा के क्या लगाना है, सी एस बी लगाना है, समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे यहां पे, हम यहां पे न्यू एन एफ कर देता हूं मैं यहां पे। तो इसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, एन एफ इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट टेक्स्ट बिफोर, इसमें है टेक्स्ट बिफोर, इसमें टेक्स्ट ज्वाइन तो है बट टेक्स्ट बिफोर नहीं है। एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है हमारे पास टेक्स्ट बिफोर, अभी टेक्स्ट बिफोर फॉर्मूला वीवीए में अवेलेबल नहीं है, टेक्स आफ्टर तो है, यहाँ पे लगा के देखते हैं, डायरेक्ट लगेगा टेक्स बिफोर तो डायरेक्ट देखते हैं लगा के, क्योंकि तो नई फॉर्मूला है तो हो सकता है कि वीवीए में डायरेक्ट सपोर्ट ले ले, क्योंकि मुझे जो डॉट है ना डॉट से पहले का नाम लेना है, तो यहाँ पे हम लगा के देखते हैं टेक्स बिफोर कहीं डायरेक्ट सपोर्ट कर ले, क्योंकि तो अब लाइब्रेरी में तो नहीं है, टेक्स बिफोर ब्रैकेट नहीं, तो टैक्स बिफोर नहीं लेगा, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी इक्वल टू एक फॉर्मूला कल आपने लिस्ट में दिया था उसमें था एन एस टी आर, एन एस टी आर फॉर्मूला क्या करता है कि किसी नेम में से एफ एन, और मैंने बोला कि डॉट को ढूंढ के दो, तो डॉट का पोजीशन ढूंढ के देगा। अब मैं न्यू फाइल एन एफ जो है इसमें इक्वल टू करूंगा लेफ्ट, और लेफ्ट में बोलूंगा कि मुझे एफ एन से फाइल नेम से लेना है, और इसकी जो लेंथ है फाइल नेम की जो लेंथ है, नहीं, इस लेंथ नहीं, पी पी माइनस वन, पी माइनस वन जहां तक डॉट है उससे पहले है यहाँ, और फिर एन एफ एन एन परसेंट के साथ यहाँ पे डॉट एक्स एलेस एक्स कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, देन यहाँ पे हम करते हैं एफ एन इक्वल टू डी आई आर और फाइल को रिलोड कर दिए। चलिए भगवान के नाम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, एफएन करके यूज करता हूँ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसने क्या किया, ओरिजिन डेस्टिनेशन हमने सेट कर लिया यहाँ पे आपके सामने, फिर एफ एन चला, एफ एन में फाइल लिस्ट वन डॉट सी एस बी लिया, डू वाई लूप चला, इसने क्या किया कि इसमें सी एस बी का जो पोजिशन है दूसरे नंबर पे है वो ले लिया, और एन एफ ने क्या किया सिर्फ यहां से वन अलग कर दिया, और यहां इसने एफ एन फाइल को एन एफ न्यू फाइल नेम से डेस्टिनेशन वाले लोकेशन में कॉपी कर दिया। अब मैं यहां जाके देखूं कि क्या इसने कॉपी किया है मार्स के एक्सेल वाले फाइल में, यस कॉपी किया है, और यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो प्रॉपर्टीज देखिए हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है, डॉट एक्सएलएस एक्स हो चुका है सिंपल सा, और फिर इसको हम एक बार रन कर दें तो कुछ ही सेकेंड में सारे फाइलों को यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, समझ में आया आपको ये चीज, अब अजीत कदम जी ने मुझे जो है कल एक फोटो भेजी थी, ये रहा उनकी फोटो, देखते हैं क्या है, उन्होंने ये लगाया था बट इन्होंने मैसेज तो दिया नहीं यहाँ पे, बस ये दे दिया एंड विद पूरा दिया नहीं, यहाँ पे पूरा दिया है, इन्होंने क्या किया है कि डीम एफएसओ एज ऑब्जेक्ट फोल्डर एज ऑब्जेक्ट, डीम डब्ल्यू एज ऑब्जेक्ट फोल्डर, उन्होंने कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का
अपना कर दिया है, फुलर नेम आ गया पाथ, और ये पाथ उन्होंने मैनुअल डाला था। यहाँ पे हम डायरेक्ट ब्राउज बटन लगा सकते हैं। कल की क्लास में आपको, अगली क्लास जो होगी उसमें हम ब्राउज बटन के बारे में बताएंगे। इसकी जरूरत नहीं था, देखिए हो तो रहा है, इतना लंबा उन्होंने कोड लगाया है, उन्होंने डायरेक्ट जो है फाइल एफएसओ पे जाके फोल्डर फोल्डर फाइल एंड फोल्डर को इन्होंने ये किया है, चेंज किया है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं क्या? अब बोला सब फोल्डर क्रिएट हुआ, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपने बता रखा है ना, यानी कि डायरेक्ट मेक डायरेक्टरी से आप जो है फोल्डर क्रिएट कर लीजिए अपना। ओके, ओके समझ में आ गया? तो फाइल कॉपी, फाइल कॉपी क्या करता है, फाइल को कॉपी करता है। अब चलिए कुछ है, कुछ और भी डायरेक्टरी के कुछ फंक्शन है उसके बारे में जानते हैं, फिर आप लोगों की क्वेश्चन पे आएंगे हम। इसमें एक आता है फाइल कॉपी, एक होता है आपका नेम। नेम क्या करता है, यहाँ पे ओरिजिन कॉमा डेस्टिनेशन कर दीजिए, नहीं फाइल नेम तो नहीं होता है, हाँ फाइल नेम, फाइल नेम नहीं, फाइल नेम नहीं है, सिर्फ नेम होता है नेम, ब्रैकेट होते नहीं, फाइल नेम, फाइल नहीं, नेम होता है सिर्फ, लेकिन लगाया नहीं लगा। एक होता है फाइल को रिनेम करने का, क्या आप जो है फाइल को रिनेम कर सकते हैं, ठीक है? एक तो आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कॉपी नहीं करना, अच्छा नेम होता है, नेम, नेम जो है यहाँ पे नेम, यहाँ पे ओरिजिन, एज, डेस्टिनेशन, ठीक। आप जो है नेम लगाइए और यहाँ पे आप डालेंगे कि आपका फाइल किस पर्टिकुलर फाइल को किस अनोदर नाम के फाइल से चेंज करना है। ओरिजिन डेस्टिनेशन का पूरा पाथ आपको देना होगा विथ फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन, तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, रिनेम हो जाएगा। तो फाइल को रिनेम कर सकते हैं। एक होता है किल, किल क्या करता है, किसी भी फाइल को डिलीट करता है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि मुझे डी ड्राइव के अंदर 2022 के अंदर 1.xlsx को किल करना है, तो ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, किल कर देगा। एक होता है आपके फाइल नेम, अब जैसे मैंने एफ इक्वल टू फाइल डेट टाइम, तो इसमें हम जो भी डेस्टिनेशन देंगे उसका लास्ट जो है कब फाइल आपका बना है उसका आपको दे देगा, ठीक है? फाइल डेट एंड टाइम, ये फॉर्मूला होता है। फिर आता है आपका लेन, यहाँ पे फाइल लेन मतलब कि फाइल की लेंथ क्या है, वो लेंथ आपको देता है, फाइल की लेंथ क्या है वो लेंथ को देता है, और फोल्डर क्रिएट करने का तो आप जानते ही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पे फाइल डिलीट कर रहे हैं, क्या हम फोल्डर डिलीट कर सकते हैं? देखिए फोल्डर एक्सेल का पार्ट नहीं है, फोल्डर किसका पार्ट नहीं है, एक्सेल का पार्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे फोल्डर को डिलीट करते भी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो है एक्सेल यहाँ विंडोज के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करना हो। जैसे अगर हम बात करें फोल्डर डिलीट करने की, तो यहाँ पे FLDDEL के नाम से बना रहे हैं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि डिम एफ एज ए न्यू फाइल सिस्टम, लेकिन ये फाइल सिस्टम नहीं आ रहा है,
क्यों? तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे डायरेक्टरीज है जो कि डायरेक्ट आपको नहीं आ रहे, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको आपको जाना पड़ेगा इसकी इसमें टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर जाने के बाद आपको उसकी लाइब्रेरी देना पड़ेगा फुल लाइब्रेरी। या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, डिम एफ एफ एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे और यहाँ पे करते हैं सेट एफ इक्वल टू क्रिएट, प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है, क्रिएट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर डालेंगे स्क्रिप्टिंग, STRIPTING स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग फाइल FI फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, एक बार रन करके देखते हैं एरर तो नहीं है, नहीं एरर नहीं है। अब यहां पे सिंपली हमें लिखना है एफ डॉट डिलीट फोल्डर, और यहां पे आपको जिस फोल्डर को डिलीट करना है उस फोल्डर का पाथ दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम न्यू करके यहाँ एक नया फोल्डर बना देते हैं FL का, और मुझे इस FL वाले फोल्डर को क्या करना है, डिलीट करना, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, गायब हो गया। तो अगर आप सिस्टम सेटिंग के साथ छेड़छाड़ में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल ऑब्जेक्ट सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। अभी अभी जो अजीत जी ने दिखाया, अभी अभी जो अजीत जी ने बनाया दिखाया था, अजीत कदम जी के जो मैसेज दिखाया था, उसमें उन्होंने इसी क्रिएट ऑब्जेक्ट का यूज किया, और इसके जगह आप किसी फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे CSP वाला जो फोल्डर है, इस फोल्डर को, पूरी फोल्डर को कॉपी करके एक्सेल के वाले फोल्डर में लेके जाना है, तो मैं इसको पहले डेट करता हूँ, डेट करने के बाद मैं यहां लिखूंगा एफ डॉट कॉपी फोल्डर, कॉपी फोल्डर, और यहां मुझे अपना ओरिजिनल लिखना है कि कहां से कॉपी होगा, और कॉमा कहां पे पेस्ट होगा। यहां देखिए आया CSV का फोल्डर, ये आपका फोल्डर कॉपी पेस्ट कर सकते, तो इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं ऐसे उसके साथ, उसकी मैंने एक लिस्ट है मेरे पास, वो लिस्ट मैंने आपको दे दी, जैसे डिलीट है उसे कॉपी पेस्ट है, ये लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कॉपी फोल्डर कर सकते हैं, क्रिएट फोल्डर कर सकते हैं, क्रिएट टेक्स्ट फाइल कर सकते हैं, डिलीट फाइल कर सकते हैं, डिलीट फोल्डर कर सकते हैं, फाइल एग्जिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, फोल्डर एग्जिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, फाइल ने यहाँ पे मूव फाइल कर सकते हैं, कॉपी कट कर सकते हैं, मूव फोल्डर, ओपन टेक्स्ट फाइल, रीड ऑल, टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं, रीड लाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप
इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर एक क्वेरी था सर मेरा। बोलिए। अच्छा, मैं क्या बोलूँ, जो फाइल है ना सर, जो सेव जो करते सेव ना करते आते हैं वहां डेट पे आना डेट चाहिए आना सर, चाहिए। जो जो फाइल है ना, फाइल जो है ना, एक्सेल जो फाइल है ना, जो जो मैं तुम सेव कर सेव रहा हूँ कर ना, रहे हो ना, आगे आगे मेरे मेरे को को करंट डेट करंट डेट करंट डेट आना चाहिए आना सर। चाहिए फाइल के नाम के साथ। हाँ, फाइल के हाँ, नाम फाइल के के साथ। नाम के साथ। हाँ, तो उसमें कौन सी वो बड़ी मैं बात। ट्राई कर रहा था पर वो देखिए, एरर ही दे सबसे रहे थे। पहले, नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल नेम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफ एन फाइल नेम इक्वल टू सिस्टम डेट, डायरेक्ट नहीं लेगा, आपको देना पड़ेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ पे डेट दीजिए और यहाँ पे दीजिए DD-MMM-YY। इससे क्या होगा कि स्लैश जो होता है वो स्लैश हटा देगा डेट से, और इसके साथ आप एक्सटेंशन दे दीजिए जैसे .xlsx। ठीक है, अब जो है सेव करने का कोड डालिए कि एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक्स हो नहीं बुक होगा डॉट सेव एज, और यहां पे क्या कीजिए कि आप पाथ दीजिए जैसे डी ड्राइव के अंदर 2023 के अंदर, और जो फाइल नेम है उसको कॉनकेट कर दीजिए। समझे, ओके, तो समझ फाइल गया सर। हाँ आप डेट के नाम से फाइल आएगा। आप चाहते कि नहीं मुझे डेटा और डैश डेट आइए, तो यहाँ पे आप इनवर्टर कॉमा में डेटा और फिर डेटा के साथ यहाँ डैश लगा देता हूं और फिर कॉनकेट कर दीजिए, तो डेटा के साथ डेट लिखा हुआ है। समझ गए, तो समझ गया डायरेक्ट सर। सोचेंगे कि डेट आएगा तो डायरेक्ट डेट यहाँ पे नहीं आएगा। ओके सर, ठीक क्लियर है, है सर, क्लियर सर, क्लियर, तो डाउट इसमें। नो डाउट सर, डाउट सर। चलिए, और किसी को डाउट है। तो आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में जनरली आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो सुनता हूँ, तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस बोल सकते हैं। मैं वन बाय वन आता हूँ, अजय जी के पास आया मैं। अजय जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो सर, है तो फोन में। अब मैं ओके, वीकेंड अमित पे जी ज्यादा के काम कर ज्यादा काम पाऊंगा, कर कुछ पाऊंगा। होगा तो मैं बता दूंगा साइमल्टेनियसली। अमित कुमार जी, आपके पास कोई डाउट है। चंद्रा जी, चंद्रा शर्मा जी, कोई डाउट है आपको। नो नो, इट्स नो ओके, नो, इट्स ओके, थैंक यू। नहीं विमन ठाकुर जी, आपको कुछ पूछना है। सर, अच्छा सर जी, अच्छा मान लीजिए मान लीजिए आप जो हेल्प आप जो सिस्टम हेल्प दिखाए थे सिस्टम ना, दिखाए थे ना, वो हाँ, मैंने नेट में जो नेट हेल्प में जो है हेल्प बीबीए है का, बीए का, तो अगर हाँ, मैं अगर किसी मैं किसी कारण से कारण किसी से किसी एरर को एरर ढूंढने को जाता हूं ढूंढने ना, जाता हूँ ना, वो आप वो जितना आप सहज जितना से सहज वो आप से ढूंढ वो आप लेते ढूंढ हैं, लेते हैं, हम आप समझ नहीं समझ पाते नहीं सर पाते जे जे वो वो लोकेट ही नहीं लोकेट कर नहीं कर पाते, पा, वो क्योंकि वो तो वहां क्योंकि पे तो वो वहां बहुत पे सारा बहुत ऑप्शन सारा आ ऑप्शन जाता आ है। जाता है। और देखिए, कौन सबसे सा, पहले जे सबसे देखिए, आप जैसे आप हेल्प पे क्लिक करते हैं ना, जैसे F1 पे क्लिक किया आपने, तो ये आपको खुल हाँ गया। एक हाँ मिनट, यहाँ इसमें इसमें हमने एक क्लिक किया, यहाँ पे ये आया हेल्पफुल। हाँ हाँ तो बेसिकली हाँ यहाँ पे किसी तरह के एरर को यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सर्च करना है mkdir फंक्शन, तो mkdir और स्लैश लगा दीजिए बीबी, राइट। तो ये जो है ये सबका आएगा। देखिए यहाँ पे मेक डायरेक्टिव स्टेटमेंट और इन्वर्टर, यहाँ पे ब्रैकेट में बीबी है, हाँ तो याद रखिएगा इसके साथ वीवीए लगा होना चाहिए तभी होगा, वरना ये बहुत सारी चीज ढूंढ के दे देगा गूगल हाँ की तरह। बहुत सारा बहुत चीज है। सारा, हाँ, ये हाँ, तो कंफ्यूजन हो यहाँ जाता पे है। आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए, आपके सामने रहे। दूसरी चीज क्या होता है कि मुझे कुछ देखना है, जैसे कि कितने लिस्ट चाहिए मुझे कुछ का, तो जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ नीचे दिखता है वीवीए रेफरेंस, इस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ जो है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल है। क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ऑब्जेक्ट मॉडल में क्लिक कीजिएगा ना, जितने भी ऑब्जेक्ट है जो कोड होते हैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ ढूंढना है, जैसे मुझे मान लीजिए कि रेंज के सारे
मेंबर चाहिए कि डॉट लगाने का जो जो आता है वो क्या करता है वो सब मुझे देखना है, राइट। तो मैं नीचे हाँ जाऊंगा कहाँ पे, रेंज पे, रेंज ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। एक हुआ रेंज, एक हुआ रेंजेज। तो रेंज का मतलब हुआ यहाँ पे देखिए रेंज के सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे नीचे आ जाए, एग्जाम्पल भी है बहुत सारे और सारे मेथड आ जाए। और रेंजेस का मतलब क्या हुआ, एस लगा हुआ है मतलब कि उसमें जो किसी पर्टिकुलर रेंज का पार्ट नहीं होता है, सेल्स वगैरह जो होता है उसका आएगा। यार ऐसे ढूंढ सकते हैं, अगर कोई सर्च करना है अच्छा तो बोलिए सर्च कीजिए या फिर यहां से ढूंढ लीजिए आप। सर, हाँ बोलिए। तो हाँ अच्छा सर, आप जैसे बोले आप थे जो बोले थे जो मेंबर जो मेंबर है जो वो है उसमें उसमें मेथड भी आता मेथड है, भी आता है, प्रॉपर्टी भी आता प्रॉपर्टी है। भी आता है। जी हाँ। हाँ तो मैं तो प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी जो उसके है बाद उसके बाद इक्वलिटी, मैंने उसके इक्वलिटी पहले मैंने उसके इक्वल पहले टू साइन इक्वल टू आता है साइन और आता है और मेथड जो है वो मेथड जो है स्पेस वो देके स्पेस आता दे है। क्या। जी। तो दोनों तो का दोनों काम, का काम काम के काम मैंने क्या के डिफरेंस है प्रॉपर्टी जो दोनों? प्रॉपर्टी जो होता है वो जस्ट आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेता या देता है, वो अच्छा एक्शन नहीं करता है। अब मैंने डॉट, अच्छा हमने बोला कि डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, तो कलर क्या हुआ, इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो। अब उसको हाँ कॉपी करके पेस्ट थोड़ी करवा देगा, एक्शन नहीं करेगा ना सर। अच्छा तो अच्छा एक्शन करने अच्छा के लिए मेथड। अच्छा अच्छा सर, ऐसे में देखा है क्योंकि मान लीजिए मान मेरा लीजिए ऑफिस मेरा में कभी ऑफिस टाइम में कभी मिल टाइम गया मिल गया तो तो मैं कुछ मैं बनाया, कुछ ठीक बनाया, है, तो ठीक वहाँ है, पे वहां ऑफिस का पे मशीन में ऑफिस वो का रन मशीन कर में रहा रन है लेकिन कर घर में जब वो लेकिन मशीन में घर में डालता जब हूँ तो वो काम वो नहीं काम करता नहीं है, करता है तो कुछ तो कुछ वो नहीं हो सकता होता है क्या है ना। इससे। नहीं होता है क्या है, जैसे कि कुछ ऐसे फंक्शन या कुछ ऐसे फॉर्मूला आपने वहां लगाया है, आप दोनों का वर्जन अलग अलग होगा, एक्सेल का, एक्सेल का वर्जन दोनों अलग हाँ अलग वर्षन, होगा। हाँ तो हाँ। वर्जन ऐसी बात होगी ना, उसमें दिक्कत करेगा ना। लेकिन सर मैं वर्षन सेम होने से सेम भी होने थोड़ा से भी कभी थोड़ा कभार कभी दिक्कत कभार हो दिक्कत जाता है, रहेगा उसमें क्या सिम वो तो थोड़ा पाथ लाइबिलिटी का ऐसा प्रॉब्लम कुछ होगा, क्या? पाथ का, जैसे कि मान लीजिए मैंने पाथ ये डाला हुआ है, और ये पाथ पाथ हमेशा आपके थोड़ा बीच में होगा कुछ ही, वो तो लेकिन पता है, अच्छा लेकिन अच्छा सर कोई सर कोई लाइब्रेरी का लाइब्रेरी कुछ का ऐसा कुछ बात है ऐसा क्या बात है कि क्या उसमें वो इंस्टॉल इंस्टॉल को करना है इंस्टॉल ऐसा करना है ऐसा कुछ? कुछ। देखिए यहाँ वो आपको मैं आगे बढ़ाने पर आऊँ कि टूल्स के अंदर में जब आप एडिशनल रेफरेंस में जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह लेते हैं ना, आपके कोड में अगर ऑब्जेक्ट वगैरह है और इसमें आपने क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं लिया, जैसे अभी देखा था मैं न्यू करके लिया था, उसमें प्रॉब्लम हाँ होती है। यहाँ रेफरेंसेस के अंदर में आपको लाइब्रेरीज होते हैं जो कि आपको ऐड करने होते हैं। जब आप अदर एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं तब, जैसे कि आपने एक्सेल से बाहर का कुछ लिया, जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर ले रहा हूँ बाहर का ले रहा हूँ, जब हाँ बाहर के लेंगे तो आपको जो है ये लाइब्रेरी मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर यहाँ क्रिएट ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक अरे है। सर, ये जैसे कैसे ये कैसे पता पता चलेगा कि चलेगा कौन सा कि कौन लाइब्रेरी सा का क्या लाइब्रेरी का क्या फंक्शन फंक्शन है, है? जो यहाँ पे जो आप कोड यूज करेंगे ना उससे पता चलेगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग लाइब्रेरी है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस ऑफिस का है, ऐसे यहाँ पे एक्सेल का लाइब्रेरीज है। इसी तरह से आपको मान लीजिए एमएस वर्ड के साथ छेड़छाड़ करना है तो एमएस वर्ड का आपको लाइब्रेरी यहाँ दिखेगा। सर ऐसा हुआ था ऐसा कि हुआ था मेरा मेरा ये बनाया ये हुआ बनाया था हुआ तो था मेरा तो घर, मेरा मेरा घर मेरा पर्सनल लैपटॉप पर्सनल में वो लैपटॉप में चलता वो था चलता पहले, था ठीक पहले, है, ठीक है जी। लेकिन लेकिन वो ऑफिस वो का भी ऑफिस का चलता भी था, मेरा चलता था लैपटॉप में मेरा भी चलता था, लैपटॉप लेकिन में अभी भी क्या चलता हो अभी क्या हो गया, गया वो ऑफिस वो में चल ऑफिस रहा में है चल लेकिन रहा है घर में जी। नहीं हाँ चलता, नहीं चलता, वही लाइब्रेरी का दिक्कत होगा, आप कोड डिटेल बता जब वो पाऊंगा। पहले तो चलता था सर, तो झट से क्या हो गया क्या हो सर? गया सर, लाइब्रेरी रिमूव कर दिए होंगे ना आप यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे एमएस ऑफिस हमने का कुछ नहीं किया सर, एक्सेस वो अपने डेटाबेस आप ही हुआ लाइब्रेरीज है, होगा। हाँ लाइब्रेरी रिमूव हो गया होगा। अच्छा तो अच्छा तो उसको कैसे उसको पता कैसे लगा पता ऐसा, लगा क्योंकि ऐसा, वो क्योंकि कोड वो मैं कोड थोड़ा इधर मैं उधर थोड़ा से इधर मैनेज उधर किया से था मैनेज तो किया था, वो पूरा 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 हमको वो समझ में समझ भी में नहीं नहीं आता। आता। जब उसको रन करेंगे तो आपको यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ना वो एरर देगा, उससे पता चलता है। अच्छा तो मैं जी वो मैं कोड वो आपको कोड दिखाऊं आपको क्या दिखाऊं सर? क्या सर, आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं देख के आपको बताता ठीक ठीक हूँ। ठीक 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 है है सर, ठीक है सर। ओके सर, चलिए ओके सर। सुलेखा मिश्रा जी, कुछ पूछना है आपको। सर सर मैं अपन मैं लास्ट अपन टाइम लास्ट जो टाइम सर जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिया दिया था था सर, सर आपने आपने चेक चेक किया किया था था सर सर बराबर बराबर था था क्या क्या सर? सर? एक मिनट मैं आपका आता हूँ। मिश्रा जी कुछ पूछना है आपको।
हाँ सर एक्चुअली मुझे स्टडी बहुत करनी पड़ेगी, मेरे को तो कॉमा डॉट से भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कॉमा कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ डॉट लगाना है, तो आई थिंक आई नीड अ लॉट ऑफ देखिए प्रोफेशनल देखिए, डॉट स्टार्टिंग का लेवल के सिंपल साथ सा ही। मेथड है, सुनिए, डॉट सिंपल सा, आप पहले कोई ऑब्जेक्ट लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ नहीं पे सर 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 रेन, सर हाँ, सर मेरा बोलने का मतलब है कि मुझे खुद सेल्फ स्टडी काफी करनी पड़ेगी, मतलब मुझे मैं हर चीज के मतलब मेरे को वो कॉमा और होना। डॉट के बारे में समझा देता हूँ। जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद जो मेंबर है, मतलब लोकेशन लिख दिए कि आप एक लैंग्वेज की तरह समझिए कि मैंने बोला कि यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, तो जो क्या करना है उसको एक्सेल में मेंबर बोला जाता है। तो मेंबर हमेशा डॉट पे आएगा, ठीक है, डॉट पे आएगा। अब कॉमा कहाँ लगता है, जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले के जो इनपुट्स होते हैं, तो इनपुट में आप लोग कॉमा लगाते थे ना, ऐसे जैसे मैंने मान लिया पेस्ट स्पेशल किया, स्पेस किया, तो पेस्ट स्पेशल के इतने सारे इनपुट है जहां पे कॉमा लगाना है, तो आपको यही पे सब बता देता है। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सर वही मतलब सेल्फ स्टडी काफी रिक्वायर्ड है मुझे, क्योंकि आई एम बोलता जी टोटली मेरे लिए जो ना हर लाइन सही नहीं दिखती है, तो सर, वो तो काफी कुछ आपको करना वो पड़ेगा। तो सर आप ही करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कर सकता आपके लिए। मुझे नहीं जितना नहीं स्टडी नहीं करना मैं था आगे मैं कर चुका हूँ और पूछूंगा। कर रहा हूँ। नहीं सर सर मेरा एक्चुअली एक इश्यू क्वेरी थी, मेरी फाइल है, आई हैड एट स्टोर्स है, 8-9 ऐसे स्टोर्स हैं, तो एवरी डे हमें क्या वी लुकअप मारना पड़ता है, हमारी जो कंजम्पशन रेट है उससे SQOI, तो वी लुकअप मारते हैं पर उसका डेस्टिनेशन डिसाइड है, पर SQs हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे मैं अगर कोई कैटेगरी ले लेता हूँ, एफिशिएंसी ले लेता हूँ, या फिर FNB ले लेता हूँ, या फूड ले लेता हूँ, या नॉन फूड ले लेता हूँ, या स्टेपल कैटेगरीज ले लेता हूँ, तो CR सबके अलग अलग रहते हैं और स्टोर के SQ काउंट्स डिफरेंट होते हैं, तो मैं उसको ऑटोमेशन पे कर सकता हूँ क्या, मैनुअली तो मैं आपने करता हूँ बताया डेली बेसिस पे। था फॉर्मूला बनाना, बताया था ना आपको, आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बना लीजिए। कल ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ठीक है सर आपको फंक्शन ठीक फॉर्मूला बना, मतलब कि फॉर्मूला में अगर प्रॉब्लम, एक्सेल में फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रही है, तो कल फॉर्मूला बना बनाया सिखाया था आपको, आप अपने हिसाब से फॉर्मूला बना लीजिए। हाँ कहीं पे प्रॉब्लम होती है दैट आई हेल्प यू। ठीक है सर चलेगा, मैं कोई नहीं है मैं बना सोहेल जी आप लूंगा। कुछ बोल रहे थे? अच्छा मैं सर क्या बोलूँ, मैं एक प्रोजेक्ट का अपन दिया था, साइन किया था, वो आपने सर चेक किया क्या सर? हाँ हाँ प्रोजेक्ट सारे चेक किए, फिर लास्ट सर प्रोजेक्ट पे डिस्कस भी किए थे मैंने। ओके आज मैं का सर अभी प्रोजेक्ट, सर आज का मैं प्रोजेक्ट क्या है बोल रहा हूँ वर्क क्या का, आगे का, सॉरी सर मैं क्या बोल रहा, तो अपना जो फॉर्मूला में जो अपना VBA में लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप वगैरह और सम इफ वगैरह, वो उसमें अभी फॉर्मूला बाकी है ना सर अपना? नहीं कल बता तो दिया समीर भी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना वो बता दिया, बाकी फॉर्मूले तो वही है जैसे एक्सेल पे लगते हैं उसे वीवीए पे लगते हैं, दोनों अलग अलग थोड़ी है, जो वीवीए अच्छा पे एक्सेल पे ये इनपुट भी है वीवीए पे इनपुट होता है, सेम इनपुट होता है। है, ओके ठीक है सर। जैसे कल मैंने वी लुकअप लगा के दिखाया, सम इफ लगा के दिखाया, लेन है, रेफ लाइट है, वो सब वैसे वर्क करता है जैसे एक्सेल वाले, चूज है। अच्छा एक प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए इस वीकेंड का, प्रोजेक्ट क्या है कि मेरे एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल्स हैं, हर फाइल के अंदर कई सारे शीट्स हैं, सारे फाइलों का डेटा एक शीट पे एक के नीचे आना चाहिए और सारे शीट्स का डेटा, जैसे 10 फाइल है तो किसी में 5 शीट, किसी में 4 शीट, किसी में 10 शीट है, सारे डेटा एक शीट में कंपाइल होकर आना चाहिए। ओके सर फिर से वो समझा नहीं सर। मेरे पास एक फोल्डर है, एक फोल्डर में कई सारे फाइल्स हैं और फाइल्स के अंदर कई सारे शीट्स हैं, मुझे सारे फाइल और सारे शीट्स का डेटा एक शीट के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। ओके एक के नीचे एक के नीचे, फाइल का अंदर जो डाटा है उसका कॉलम नंबर सिमेट्रिक है कि डिफरेंस सिमिलर फिलहाल से तो सिंपलिसिटी पे जाते हैं, को सिमिलर हेडिंग सिमिलर है। है? ओके एंड वन मोर डाउट, बोलिए इज इट इज इट पॉसिबल दैट पॉसिबल वी दैट वी कैन डू कैन डू स्क्रबिंग फ्रॉम स्क्रबिंग इन फ्रॉम इन बीवीए वीवीए वेब वेब स्क्रबिंग? स्टडी? नहीं क्या बोला आपने, दोबारा बताएंगे, आप वीवीए दोबारा सीखना चाहते हो?
नहीं, वेब से स्क्रैप करके लेके आ सकता हूँ डाटा। अच्छा वेब से, हाँ वेब स्क्रैप से आ सकते, कुछ हद तक ला सकते हैं, वो हम बताएंगे आपको अदर एप्लीकेशन में, ठीक है ना। ओके वो ओके आपका लास्ट चैप्टर ओके होगा, वो मैंने जिस ओके दिन ओके पढ़ाया समझ जाइए वीवीए का लास्ट क्लास। हाँ ओके ओके डन। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे मिलते हैं सुबह में। आई होप आप लोग अपना प्रैक्टिस और अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट